हेलो वेलकम, मैं हूँ मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं मोहम्मद उसामा चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम है कि हम प्ले स्टोर के सीक्रेट्स क्या हैं और उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं और हमें हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या हैं और किस तरह के हैं। तो आज का काम शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल ओपन कर लिया और यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लिया। तो आपको अब अगर हम प्ले स्टोर में सर्च करते हैं, पहले हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आपको अगर कोई कोई एप्लीकेशन है, आप दोस्तों दोस्तों से स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्तों से पहले यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर मैं अपना सर्च करता हूँ फेसबुक मैसेंजर, तो ये देखिए फेसबुक मैसेंजर आ गया और ये फेसबुक मैसेंजर है। अगर यहाँ पे दोस्तों नीचे हैं तो स्क्रॉल डाउन करके अगर आप ये यूज़ कर लें तो आप अपने दोस्तों से स्मार्ट बन चुक सकते हैं। और आप नीचे आ जाइए, नीचे नीचे, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिकम ए बेटा टेस्टर। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो जैसे ही फेसबुक मैसेंजर के नए अपडेट्स आएंगी तो उनके फीचर्स नए फीचर्स आप उनसे पहले अपने दोस्तों से पहले यूज़ कर लेंगे। तो ये था हमारा पहला सीक्रेट। तो चलती है आज हम, तो ये हमारा दूसरा सीक्रेट है। तो दूसरा सीक्रेट हमारा क्या है, अगर आप बैक आएंगे तो ये प्ले स्टोर है। अब आप अगर प्ले स्टोर के यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा माई ऐप्स एंड गेम्स का। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप वो पहले वाला आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। तो अगर ऐसे इस मैसेंजर का जैसे ही नया आएगा वर्जन और इसकी जैसे ही अपडेट आएगी तो वो आपके पास फ़ौरन आ जाएगी और आप उसके नए फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल पे आइए और ये देखिए यहाँ पे ये आपको बता देता है कि कौन कौन सी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है और लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रही होती, वो हाइड होती है। तो यहाँ पे ये सब कुछ बताते हैं कि कौन कौन सी जो ऐप है एप्लीकेशन है वो अपडेट होने वाली है, कि कौन कौन सी इंस्टॉल है। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ वो ये वो हैं जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हैं लेकिन अपडेट नहीं हुई, कुछ अपडेट हुए हैं लेकिन कुछ अपडेट नहीं है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये वो सारी हैं जो इंस्टॉल भी हैं और अपडेट भी हैं। तो ये था हमारा दूसरा सीक्रेट और ये बहुत ही अहम है, अगर आप अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही काम का है सीक्रेट। तो चलती है हमें आज हमें अपने तीसरे सीक्रेट की तरफ। ये तो दोस्तों अच्छा, तो कई बार क्या होता है कि आप एक एप्लीकेशन सर्च करते हैं और प्ले स्टोर पे और आपको वो एप्लीकेशन नहीं मिलती, अगर मिल भी जाते हैं तो आपको किसी और एप्लीकेशन का लोगो अच्छा लगता है तो आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में आप उसको सर्च करते हैं तो वो आपको नहीं मिलती। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ और इस पे सर्च नहीं करता, मैं यहाँ पे प्योर ले लेता हूँ, यहाँ से यही आजकल PSL चल रहा है तो यहाँ से मैं PSL ये क्रिकेट वाली लेता हूँ। देखें अगर मैं चाहता हूँ कि मैं PSL लाइव वाली लूँ तो ये जियो स्पोर्ट है और पीटीवी स्पोर्ट लाइव है, और मैं PSL की लेना चाहता हूँ तो मैं अगर मैं PSL पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अगर मैंने अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो है ये बाद में इंस्टॉल कर लूँगा, वो दूसरी पीटीवी स्पोर्ट वाली ये पहले इंस्टॉल कर लूँ। अगर आप ये पहले इंस्टॉल कर लेंगे और बाद में उसे ढूंढेंगे तो शायद वो आपको नहीं मिले, तो आप ये से यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और बाद में अगर आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आप अगर आप पहले इस पे जाएं और सॉरी इस पे क्लिक करें और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का निशान आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो
एक बार करना है तो ये देखें ऐड इनटू विश लिस्ट। इससे से क्या होता है कि आप जो भी ये ढूंढ रहे होते हैं ये आपको बाद में आसानी से मिल जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको बाद में इंस्टॉल कर लूँगा, अगर आप याद को आपको याद नहीं रहता ये आप माई ऐप्स एंड गेम्स में आइए और आपने जो विश लिस्ट में ऐड की हुई थी वो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए और नीचे यहाँ पे ये देखें विश लिस्ट का निशान है, ये यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये देखें मैंने जो इधर की थी वो उधर विश लिस्ट में तो वो इधर आ चुकी है। और यहाँ से अब आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक सीक्रेट प्ले स्टोर का। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला हमारा सीक्रेट है, यहाँ पे आप नीचे आइए सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद देखें अगर आप अपने मोबाइल में, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने मोबाइल में कोई काम की ऐप रखते हैं और आप उसे यूज़ करते रहते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि वो उसका न्याओ जो अपडेट अवेलेबल कोई न्यू वर्जन आ गया है तो वो आपको नहीं पता चलता, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर विजिट करना पड़ता है और या माई ऐप्स से उसको लेना पड़ता है। तो आप इसके सिंपली ऐसा करिए सेटिंग में आइए और ऑटो अपडेट्स इसको चेक कर दीजिए। ये मेरा ऑटो ये मेरा पहले से चेक है, मैंने से चेक किया हुआ है। और यहाँ ऐप्स एप्स व ऑटो अपडेटेड इस पर भी क्लिक कीजिए ताकि इससे जैसे ही आपकी वाईफाई या इंटरनेट ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका जो ऐप है वो अपडेट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि आपके जो नए फीचर्स होते हैं जो ऐप्स के डेली नए आते रहते हैं डेली, और वो नए नए फीचर्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही काम का है। तो चलिए हम चलते हैं जब मैं अपने आखिरी और लास्ट और सबसे अहम जो है वो उसकी जानब। और ये हमारा लास्ट सीक्रेट है, हमारा नेक्स्ट सीक्रेट है, बहुत ही लास्ट है और बहुत ही अहम है और लास्ट भी है। तो इसमें हम देखेंगे कि मैं इसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपके घर में बच्चे भी हैं और आप चाहते हैं कि वो अलर्ट ऐप उनके सामने ना आए, उनके सामने शो ही ना, अगर वो देखेंगे भी तो उनको नहीं मिलेंगे, तो आप सबसे पहले सेटिंग में जाइए। बहुत ही अच्छा है, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे आइए, ये आ रहा है पेरेंटल कंट्रोल, ये इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको इनेबल कीजिए। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट कीजिए जो आप लगाना चाहते हैं, 1 2 3 4 और अगेन 1 2 3, ये मैं अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप एप्स एंड गेम्स में जाए और यहाँ पे आप अपनी रेटिंग के हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप इनको थोड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जितनी आपकी रेटिंग होगी उतना ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और यूज़ का है। आप अगर चाहते हैं कि ये अलर्ट ऐप दूसरे यूज़ ना करें या कोई भी बच्चे हैं तो इसके लिए बहुत ही अहम है, और यहाँ से इसे सेव कर दीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद होगी, और आपको सबसे आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक तो बनता है दोस्तों, आपको टॉप सीक्रेट्स बताए हैं, लाइक प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के लिए अल्लाह।